सो गाइस यहाँ पे हम बैठे अपने घर पर और कोई बैठा हुआ है एक इंसान काफ़ी मीलों दूर हमसे, लेकिन हमको करनी है उससे बात, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, जहाँ पर एक काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप घर बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं जितनी भी चाहे उतनी। लेकिन दोस्तों क्या हो यदि आपके स्मार्टफोन में आपके मोबाइल में नेटवर्क ही ना हो, या फिर दोस्तों आप किसी ऐसी जगह पर हो, सपोज़ जंगल रेगिस्तान या किसी पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर नेटवर्क कवरेज ही ना हो। अब दोस्तों आपका जो फ़ोन है उससे आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपका फ़ोन होते हुए भी अनलिमिटेड कॉलिंग का पैक होते हुए भी आप किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। सो गाइस तो क्या एक ऐसा फ़ोन पॉसिबल है जिसकी मदद से चाहे हम कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में, चाहे वो जंगल में हो, रेगिस्तान में, पहाड़ में हो, या फिर वो किसी समुद्र के बीचों बीच, लेकिन यदि वो फ़ोन हमारे पास है तो हम किसी भी इंसान से बात कर सकें, क्या ऐसा फ़ोन होना पॉसिबल है? आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू चैनल द टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, ऐसा फ़ोन पॉसिबल है जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में हो बिना किसी इस तरीके के मोबाइल कवरेज के आप बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन को बोलते हैं सैटेलाइट फ़ोन। ये सैटेलाइट फ़ोन दोस्तों आप नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्टेड होता है डायरेक्टली सैटेलाइट से। इन फ़ोनों की तरह नहीं होता कि यहाँ पे एक टावर है और उस टावर के यदि आप नेटवर्क क्षेत्र में हैं तभी आपके पास नेटवर्क रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहें यदि आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है तो आप ईजिली किसी भी इंसान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये सैटेलाइट फ़ोन वर्क कैसे करता है। यहाँ पर तो सेंसर की नाम ही बता रहा है सैटेलाइट फ़ोन, मतलब कि ये कनेक्टेड होता है सैटेलाइट से डायरेक्टली, और पृथ्वी पे आप कहीं पे भी हो आप सैटेलाइट से कनेक्शन पा सकते हैं। जैसे कि हमारे डिश टीवी वगैरह लगी होती हैं वो डायरेक्टली सैटेलाइट से ही कनेक्टेड होती हैं। तो यदि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे हो तो वहाँ पे आप इसको सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके और आप बात कर सकते हैं। सो गाइस यदि ऐसा है कि हम सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करके बात कर सकते हैं तो इसको हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टावर के कवरेज क्षेत्र में रहेगा तभी बात कर पाएंगे, अदरवाइज वो हो जाएगा आउट ऑफ कवरेज। तो यहाँ पर कई सारे रीजन्स टेकल करते हैं जिनकी वजह से हम सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला रीजन दोस्तों निकल कहता है वो आता है कॉस्ट। अब नॉर्मल फ़ोन में तो क्या होता है कि हमने डलवा लिया एक प्लान 500-600 रुपए को और आप यहाँ पे 2-3 महीने आराम से अनलिमिटेड कॉल जितनी चाहो उतनी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप करते एक सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ तो कॉल इतनी सस्ती नहीं होती है। वहाँ पर दोस्तों अप्रॉक्स आपको 100-150 रुपए पे करना पड़ेगा पर मिनट का यदि आप सैटेलाइट फ़ोन के यूज़ करके बात करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है तो सैटेलाइट फ़ोन का इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं दोस्तों। वैसे कुछ से सस्ते वेरियंट ही आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन महंगे आते हैं। और दोस्तों ये महंगा इतना इसलिए होता है क्योंकि आपको ही पता है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती है और आप उसी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं यदि कॉलिंग के लिए तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा पे आउट तो करना ही होगा। तो गाइस यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ, जहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपने सपोज इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप 100-150 रुपए पर मिनट का दे सकते हैं और आप एक सैटेलाइट फ़ोन भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक अगली मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है वो होती है दोस्तों लैग। क्या होता है गाइस, जैसे कि हम अभी नॉर्मल फ़ोन पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम तुरंत यहाँ पर हमने बात किया, हमने बोला हेलो, सामने से रिप्लाई आया तुरंत, हेलो हमने पूछा क्या चल रहा है, जो भी हालचाल हमने पूछा सामने से तुरंत रिप्लाई आ जाता है। लेकिन यदि आप करते हैं सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ तो यहाँ पर दोस्तों आपने बोला सपोज़ हेलो तो यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा तब वो आवाज़ पहुँचेगी सामने वाले के पास, और उसके बाद गाइस वो हेलो बोलेगा, फिर वो 2-3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर आवाज़ आएगी आपके पास। मतलब आपको यहाँ पर 6-7 सेकंड का टाइम लग जाता है, मतलब यहाँ पर लैग काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए सैटेलाइट कहाँ ऊपर लगी हुई है, वहाँ तक सिग्नल जाना, फिर लौट के आना, फिर वहाँ से जाना, फिर आना, तो यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा लैग यहाँ पे होता है। और बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट तो दोस्तों भी आप सैटेलाइट फ़ोन से चलाएंगे तो बहुत ही स्लो चलेगा, वो तो दोस्तों आप भूल ही जाइए क्योंकि कहाँ पर हम चल रहे हैं 4G 5G की तरफ। 4G तो चला ही रहे हैं, 5G आ ही गया है बिल्कुल, पर यहाँ पर आप उसमें नेट चलाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2G से भी स्लो इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। तो गाइस इस वजह से हम यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का जनरली यूज़ नहीं करते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि ये सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ हम नॉर्मली नहीं करते हैं जनरल पर्पस के लिए, तो इसका यूज़ कौन करता है? गाइस इसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली ज़्यादातर मिलिट्रीज में, नेवी वगैरह में जो लोग होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, आर्मी में यूज़ किया जाता है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि उन लोगों को बीच समुद्र में जाना है, किसी जंगल पर जाना है या फिर किसी पहाड़ के ऊपर जाना है जहाँ पर ये मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर दोस्तों वो लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का।
और वहाँ पर क्योंकि बात करना भी ज़रूरी होता है तो थोड़ा वो जो लैग है वो ठीक है उतना देख लेते हैं, उतना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यदि नॉर्मल जनरल पर्पज़ के लिए बात कर तो ये दोस्तों हम यूज़ नहीं करते हैं। और ऐसे काफ़ी देशों में दोस्तों इलीगल भी है, आप सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ काफ़ी देशों में नहीं कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसा फ़ोन अवेलेबल है जिसकी मदद से आप कहीं पर भी जंगल, पहाड़, रेगिस्तान या समुद्र के बीचों बीच आप कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका हम जनरली यूज़ क्यों नहीं करते ये भी दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पसंद आएगा। देखो मेरे पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बोले, साथ में जुड़े रहने के लिए हमारी टिप्पणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन उसको दबा दीजिए। कोई भी अपलोड होगी उसकी सब्सक्राइब पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज सुनता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।